इस तरह की सफाकी में अगर किसका कुछ छोटा सा भी रोल है, अगर वो प्लानिंग में भी है, तो उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे सफाक भेड़ियों का खात्मा हो सके हमारी सोसाइटी से। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफजल जी। क्या करते हो तुम? मैं तो मजदूरी। या नशा करते हो सारा? नहीं जी, कुछ भी नहीं। क्या किया था बच्ची के साथ? या जी, अब पूरी बात बताओगे मुझे तुम? ये जी बच्ची ने मोटरसाइकिल चक तो लै गया, चक च बोतल लई दुद्ध आई, दुद्ध आई बोतल ला के उन्हें पई है नशे की गोली। उस फिर टूल तक हुआ उन मास ने पासा थल लिजा तो रखी रखी है। वह तो फिर दूसरे दिन उन्होंने चक्की शाम को चक से रजाक के घर को लिया, उसे लिया के रजाक के घर लेकर गए। हाँ जी, रजाक कौन है तुम्हें? तुम्हारे घर लेके आए। और तुम झूठ बोल रहे थे अभी कि तुम्हें पता ही नहीं है ना तुम्हारे घर यूज हुआ है, झूठ बोल रहे थे। और ये क्या कह रहा है तुम्हें? नहीं, साथ वाले कर रहे। बताओ तुम, बाद में आता हूँ तुम्हारे। रजाक जरा ये ना घरों बच्ची कंध पाई है परला का गवांडियों का घर, वो तो बच्ची टूट पा के कंध फिर ना की चाचे ने। तुम्हें कोई गैरतमंद नहीं था, किसी में इतनी सी गैरत नहीं थी कि उस बच्ची को, मासूम बच्ची को बचा लेता? मैंने ना आखा जी, तुम साथ शुरू हो गए सारे लोग। फिर बच्ची के कपड़े को हलवाए मुड़न ने बिल ने तो ना किया, गुलहाम ने फिर दोनों चाचे ने किया, फिर मैं।